कभी समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थक मिले, मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए का नारा लगाते थे। अचानक करीब 30 साल बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को यह कह दिया कि यह नारा तो समाजवादी पार्टी की शरारत थी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तो एक मिशन के तहत गठबंधन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अयोध्या और श्री राम मंदिर समेत अपर कास्ट से संबंधित नारों को प्रसारित किया तो वह बसपा को बदनाम करने की नीयत से समाजवादी पार्टी ने सोची समझी रणनीति से किया था। सियासी गलियारों में मायावती के इन बयानों के अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। माना यही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से दलित वोट बैंक में हो रही सेंधमारी से असहज होकर के बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा दांव चला है जिसमें वो अपने पुराने नारों से पल्ला झाड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहले भाजपा और अब समाजवादी पार्टी जिस तरह से बसपा के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश कर रही है उसे बहुजन समाज पार्टी असहज है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 1993 के दौर में लगाए जाने वाले नारों का ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती ने ट्वीट कर बसपा को बहुत मासूमियत से किनारे करते हुए समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा है, जबकि हकीकत यह भी है कि ऐसे नारे सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि बसपा समर्थक और कद्दावर नेता भी मंच से लगाया करते थे। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कांसीराम के प्रतिमा के अनावरण के दौरान 1993 के दौर में सपा बसपा के गठबंधन में लगाए जाने वाले नारे को लगाया। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में 3 दशक पुराने नारे को लेकर मायावती का बयान अब सामने आया। मायावती ने ट्वीट कर कहा, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर के रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा हुआ है। मायावती का इशारा स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर था। उन्होंने कहा कि 1993 में कांसीराम ने सपा बसपा गठबंधन में मिशनरी भावना के तहत किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। मायावती ने इस दौरान बसपा का बचाव करते हुए कहा कि इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, श्री राम मंदिर और अपर कास्ट समाज में संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था वो बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अचानक 30 साल बाद मायावती का अपने विवादित नारों से बचाव में ट्वीट करना सियासत में बड़े इशारे करता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के कॉलेज में कांसीराम की प्रतिमा लगवाकर 1993 का विवादित नारा लगाया उसी के बदले में मायावती ने काउंटर ट्वीट किया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती ने इस ट्वीट के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि सपा और बसपा के गठबंधन के दौर में लगाए जाने वाले वो नारे जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य समेत राम मंदिर और अयोध्या के अलावा अपर कास्ट को निशाने पर लिया जाता था वो समाजवादी पार्टी की साजिश थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1993 के दौर के नारे लगाए तो मायावती को कहने का मौका मिल गया कि ये नारे तो सपा के मुखिया के साथ ही लगाए जाते रहे थे, फिर वो चाहे मुलायम सिंह यादव का दौर रहा हो या फिर अखिलेश यादव का। कभी उच्च जाति और राम मंदिर के नाम पर बसपा के लगाए जाने वाले नारों पर एक तरह से मायावती ने 30 साल बाद सफाई दी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती ने ऐसा करके अपने कैडर वोट में लगी सेंधमारी को रोकने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा जिन नारों से अपर कास्ट के लोग नाराज होते थे उन्हें ही 30 साल बाद सही बताने की कोशिश की गई है कि वो नारे बसपा के नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी लगवाती थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 30 साल बाद अचानक अपने नारों के लिए मायावती की ओर से एक तरह से जारी की गई सफाई का कितना फायदा होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मायावती की सियासी लाइन का अंदाजा जरूर पता हो जाता है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ भी बोले वो कुछ भी नया नहीं है। विश्लेषक कहते हैं कि एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं पुराने आजमाए हुए और धार हो चुके हथियारों को अखिलेश यादव के मंच से साझा करें जो बसपा मुखिया मायावती इस्तेमाल करती थी। उनका मानना कि इस तरीके के बयानों से समाजवादी पार्टी को फायदा होने के बजाय नुकसान होने की गुंजाइश ज्यादा है। देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम सफाइयों के बावजूद मायावती के वोट बैंक में और अखिलेश यादव के वोट बैंक में कितना फर्क पड़ता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।